बात ये, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आप लोगों को पता है आप लोगों के दो पेपर हैं अब, ठीक है ना? एक है अकाउंट्स और एक आप लोगों का है केमिस्ट्री, ठीक है? जो बच्चे जितने भी ट्वेल्थ वाले हैं थोड़ा सा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को, उनका ध्यान रखना है, ठीक है? हालांकि अभी अभी जस्ट हेयर वॉश किया है तो मैं शायद भूत लग रही होंगी आप लोगों को, ओके? तो किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है? देखो, अकाउंट्स वाले जो हैं, केमिस्ट्री वाले, दोनों के पेपर जो है ना उनके एंगल से बहुत हार्ड है कि मैम बहुत हार्ड पेपर है, पता नहीं पास भी होंगे कि नहीं होंगे और समझ ही नहीं आ रहा है। अकाउंट्स वाले जो हैं वो फर्स्ट होंगे प्रैक्टिकल्स में, न्यूमेरिकल्स में, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री वाले हैं वो ऑफकोर्स रिएक्शंस में और फार्मूलाज में, है ना? दोनों के दोनों जो है ऐसे पेपर हैं जिसमें थोड़ी थ्योरी भी है और साथ साथ थोड़ी जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म्स भी हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म भी हैं। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, उनका आज संडे है और ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आई नो कल पेपर है, लेकिन ध्यान रखोगे ना तो आराम से निकल जाओगे। अकाउंट्स का मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगी कि देखो, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हैं, आई होप ट्यूशन तो आप सब लोग लगे हुए होंगे, दोनों ट्यूशन लगे हुए हैं, है ना? केमिस्ट्री वाले भी, अकाउंट्स वाले भी, आई होप लगे हो। अगर नहीं लगे तो बेटा पढ़ा करो, या तो एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से निकल सकते हो, कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो? अकाउंट्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर ट्यूशन जाते हो, जो भी आपकी न्यूमेरिक फॉर्म है, लाइक जो भी आपकी दोनों के अंदर जो न्यूमेरिक फॉर्म आती हैं, ठीक है, उनके अंदर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको प्रैक्टिस होगी ना वो उसी से आएगी, वो चीज़ आपको रटने से बिल्कुल नहीं आ सकती, तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और चलो, केमिस्ट्री में तो वो चीज़ बेस होती है, उसको हम नहीं स्किप कर सकते। अकाउंट्स में जो है आप लोगों के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप न्यूमेरिक कर सकते हैं या फिर आप थ्योरी कर सकते हैं, ठीक है? थ्योरी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भी जो है थ्योरी करके ही पास हुई थी अपने टाइम में, मेरे 62 मार्क्स आए थे सिर्फ थ्योरी में। प्रैक्टिकल मुझे पी भी नहीं आता था क्वेश्चन, क्योंकि हमारे टीचर ने एक दिन भी क्लास ही नहीं ली थी, तो हम लोगों को कुछ ABCD उस टाइम पर पता ही नहीं थी, ट्यूशन का जाना हम लोग पता नहीं होता था कि भाई ट्यूशन भी होता है कुछ, ओके? तो अकाउंट्स के अंदर आप लोग जो है वो न्यूमेरिक और थ्योरी के अंदर है। थ्योरी में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने आई होप देखी हो, कल बताई थी, उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप सिर्फ उतना कर लेते हैं ना, पासिंग मार्क्स आपको दोनों के अंदर, ये वाला आपको पेपर जो है वो आपको कम मार्क्स का रहता है, आई होप दोनों में, आप लोगों को 20 मार्क्स का टारगेट बनाकर 25 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो ना, 1, 2, 3, 4 नंबर जो है वो आपको फिर भी मिल जाएंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन राइटिंग अच्छी है। अगर आप 30 मार्क्स तक, ठीक है, इसको 30 मार्क्स कर लो कि भाई 30 मार्क्स को हमें कैसे ना कैसे लेने ही है, वो चाहे आप MCQs में लो, वो चाहे आप लॉन्ग आंसर्स में लो, वो चाहे आप न्यूमेरिकल्स में लो, वो चाहे आप केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस या फिर फॉर्मूलाज में लो, जैसे भी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है या फिर आपको लगता है कि मैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको स्किप करके जिसके कर पा रहे हो उसके अच्छे से कर लो। जैसे अकाउंट्स वालों के पार्टनरशिप से आप लोग प्रैक्टिकल बनेंगे, ठीक है, और आपकी लेजर जो है, जर्नल एंट्रीज जो है वो बनने के लिए आएंगी, तो आपको जो जो चीज़ें आ पा रही है ना उनको करो। नहीं फिर भी हो रही है तो आप यूट्यूब, आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो। कोशिश करो कि उन चीज़ों को थोड़ा सा कर पाओ और ट्राई करो कि वो हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लर्निंग पोर्शन जो अकाउंट्स में बहुत सारा है, 50% लर्निंग क्वेश्चन रहता है, आई थिंक 40% रहता है, बाकी जो प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसके अंदर आप लोग जो है, अगर आप सिर्फ थ्योरी भी करते हो तब भी आप निकल जाओगे, बट आपको कंटिन्यू की पढ़ाई करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये चीज जो है वो करनी ही है, क्योंकि एग्जाम में आएगी। तो फोकस की जरूरत है, अगर फोकस आज में भी कर लेते हो ना फिर भी निकल जाओगे, फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री वालों को मैं बता दूं, केमिस्ट्री वालों को मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई, सारे बच्चे इक्वल है मेरे लिए, है ना? तो आप लोगों के वीडियोस जो हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली कि आप लोग बोल रहे थे कि मैम केमिस्ट्री के अंदर ना हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से क्या पढ़ें, केमिकल रिएक्शन हैं और जो हमारे ये क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज हैं, हमें नहीं पता लगता कि किस तरीके से पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूँ, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी कवर हो रही है। अगर इतनी दो चीज़ें कवर हो रही हैं तो यहीं से आपके 40+ मार्क्स बन जाएंगे, जो कि बहुत इनफ है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप भी कर देते हो फिर भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे, ओके? उसके बाद मैं एक और बता दूं, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करने हैं। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लेते हो ना, तो भी डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, आप बढ़िया स्कोर कर जाओगे, बट फोकस होकर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट में बताया था, कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए BSES.org.in पर। यहाँ पर आपको जाने के बाद में आपको फोल्डर मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो है वहां पर जब आप अंदर क्लिक करोगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा 10th या 12th क्लास,
जब आप 12th पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके सारे के सारे पेपर्स खुल जाएंगे, वहाँ से आपको केमिस्ट्री का पेपर निकालना है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। अकाउंट्स वालों को भी सेम बता रही हूँ, पेपर 1, 2, 3, 4 आपको दे रखा होगा, उनके नीचे आपकी मार्किंग स्कीम होगी जहाँ पर आपको उसके ही सॉल्यूशन दिए होंगे। एक आपके पास फोल्डर आएगा कि केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर, एक नीचे स्कीम फोल्डर आएगा केमिस्ट्री मार्किंग स्कीम। तो आपको दोनों के दोनों फोल्डर देखने हैं, उसमें पेपर 1 जो है क्वेश्चंस हैं, नीचे वाले में उसके आंसर्स हैं। तो इस तरीके से आपको चारों पेपर्स कर लेने हैं आज के दिन में। अगर आप चारों पेपर्स कर लेते हो, चारों पेपर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट रखे हैं वो कर लेते हो, दैट इज इनफ फॉर यू। और वो ही चीज़ें आपको 40+ आराम से मार्क मिल सकती हैं अगर सिर्फ उतना कर लो। केमिस्ट्री वालों को क्या हेल्प मिलेगी कि जोन जोन से रिएक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, जौन जौन से रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, जौन से फॉर्मूलाज आपके रिमाइंडर में यूज हो रहे हैं, आप लोगों को एक हिंट मिलेगा। जो भी चीज़ें आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिंट मिलेंगे। चार प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मेन मैटर ये करता है कि आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। अगर चारों पेपर खत्म कर लेते हो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं में अगर आपको मान लो 5 से 7 रिएक्शन एक पेपर में देखने के लिए मिल रही है, आपको रिपीटेशन चार पेपरों में अंदाजा लग जाएगा कि कितने रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सेम बार आई हुई है, पेपर जरूर वहाँ से बनने के चांसेस जाते हैं। फॉर्मूलाज भी आपको वहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है, एक शीट बना लो उसमें सारे सारे फॉर्मूलाज लिख लो ताकि आप लास्ट टाइम पर रिवीजन कर पाओ। अकाउंट्स वाले जो हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन याद रखनी है, अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, लाइक लेजर, डेबिट क्रेडिट साइड्स, बैलेंस शीट बना रहे हो तो किस साइड पर हेडिंग, कौन सी चीज़ कहाँ, वो सारी चीज़ों के मार्क्स जो है बराबर मिलते हैं अगर आप सही से बनाते हो। तो चैप्टर पक्के करो, आराम से नंबर मिलेंगे दोनों के लिए। दोनों जो आप लोगों की केमिस्ट्री हो गई, अकाउंट्स हो गए, दोनों के लिए हमने वीडियोज ऑलरेडी बनाई हुई है। सो आई होप आप लोग वीडियोज देख रहे हो गए। सो टेंशन मत लेना, ठीक है, पेपर आसान आएगा, आसान से मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, मॉडरेट से हार्ड लेवल नहीं कह सकते, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आप लोगों को सिंपल ट्रिक बताई ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम हमारी प्रिपरेशन फुल हो गई, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर्स, और नीचे आपको यहाँ पर ही उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करके वो उनके सॉल्यूशन होंगे इन्हीं के। पेपर 1 क्वेश्चन पेपर ये है, उसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा होगा, पेपर 2 फिर उसका सॉल्यूशन, फिर ये इस तरीके से, ठीक है। तो पहले सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, और ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है। अगर आप ये चार पेपर उन्होंने प्रैक्टिस पेपर दिए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट स्टाइल के ऊपर, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर, ये आएगा आप लोगों को, ठीक है। ओपन वाले, CTP वाले, रेगुलर वाले, सबके लिए ही यही सेम चीज़ है। कोई भी कंफ्यूज ना हो कि मैम हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा, हम लोगों का कुछ अलग ही सिस्टम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, कोशिश करना इन चीज़ों को फॉलो कर पाओ, बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर कर जाओगे अगर इतना भी कर लेते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें आप कर सकते हो, बस आप लोगों का माइंड पॉजिटिव हो जाए कि हाँ ये चीज़ ईजी है, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है कि ध्यान से बस चीज़ों को समझो जो चीज़ें मैंने बताई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रिपरेशन करते रहो, ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, टाइम फोकस वाली एक्टिविटीज़ करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।